नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं पूजा। लगातार तीन दिनों की बारिश और ओले ने शिवपुरी के किसानों की कमर तोड़ दी है। खेत से लेकर अनाज मंडी तक किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। खेतों में अन्नदाता बर्बाद फसल को देखकर रो रहे हैं। रायसेन और शिवपुरी से रुला देने वाले वीडियो सामने आए हैं, तो वहीं शिवपुरी के कोलारस में खराब फसल देखने गए कलेक्टर और पूर्व विधायक के पैरों में गिरकर किसान रोने लगा। उसने बर्बाद फसल दिखाकर मुआवजे की मांग की। रायसेन में भी एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है जिसमें किसान बर्बाद फसल दिखाकर रो रहा है। वहीं छतरपुर में भी किसानों की फसल बर्बाद हुई है। आपको बता दें कि शिवपुरी के कोलारस में हुई ओलावृष्टि के बाद खराब हुई फसल का जायजा लेने कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह और अन्य प्रशासनिक अधिकारी कोलारस के पूर्व विधायक महेंद्र यादव के साथ कई गांवों में पहुंचे। कलेक्टर व पूर्व विधायक को देखकर किसानों का दर्द छलक गया। किसानों की आंखों से न सिर्फ आंसू टपके बल्कि किसान अधिकारियों और महेंद्र सिंह के पैरों में गिर कर भी रोने लगे। वहीं गांव दिघोद में तो किसान जानकीलाल धाकड़ का यहां तक कहना था कि साहब हमारे प्राण नहीं निकल रहे, बाकी सब खत्म हो गया। ग्रामगढ़ में तो बटरूलाल जाटव अपना दर्द तक बयां नहीं कर पा रहा था। किसानों को ओलावृष्टि के बाद खराब हुई फसलों का मुआवजा दिलाने पर संशय है। वहीं किसानों से अधिकारियों ने कहा है कि बाढ़ के समय भी उनके नुकसान का जायजा लिया गया, सर्वे हुआ। वहीं किसानों ने अधिकारियों से कहा कि बाढ़ के समय भी उनके नुकसान का जायजा लिया गया था, सर्वे भी हुआ, लेकिन आज तक ना तो मकान गिरने का मुआवजा मिला और ना ही फसलों का। ऐसे में इस बार मुआवजा मिलेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। इस दौरान अहिर सेना के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार यादव, पूर्व विधायक महेंद्र सिंह यादव से मुआवजा वितरण पर बहस भी हो गई। अहिर सेना की तरफ से राजकुमार ने उन्हें चेतावनी दी कि अगर इस बार किसानों को मुआवजा नहीं मिला तो उन्हें प्रदेशव्यापी आंदोलन करना पड़ेगा। वहीं रायसेन से मजदूरी कर पैसे जोड़कर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे किसान ने कहा कि गरीब हूँ, तीन बच्चे हैं, बड़ी बेटी की शादी करना है, इसलिए एक एक कर 15,000 रुपए जोड़े और 4 एकड़ की जमीन पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की। एक दिन पहले बारिश हुई तो खेत पर पहुंचा, फसल लहलहा रही थी। खेत पर खड़ी फसल को देखकर काफी खुश था। क्या पता था कि 12 घंटे बाद मैं बर्बाद हो जाऊंगा। रात में ओले गिरे और पूरी फसल चौपट हो गई। खराब फसलों को देखकर पत्नी बीमार हो गई, बेटी की शादी का सपना भी टूट गया। अब आगे जिंदगी कैसे चलेगी, कैसे बेटी की शादी होगी, यह दर्द भरी दास्तान है बाराला के रहने वाले किसान हरिशंकर की। उधर रायसेन के बरला के किसान हरिशंकर का भी मौसम की मार के बाद दर्द छलका। ओले गिर गए, इस पे ओले गिर गए साहब, रात को नष्ट हो गई, पूरी नष्ट हो गई। और क्या, मैं क्या करूं, मुझे बच्चों की शादी करना, किसी सारे नहीं, मजदूरान किसकी शादी करना था, बच्ची की। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज। नमस्कार। खुल गया, खुल गया, खुल गया। आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।